नरेंद्र मोदी जी टू मेक प्रेसमेंट सर फ्लोरिस राष्ट्रपति सोलह दोनों डेलीगेशन के सदस्य मीडिया के प्रतिनिधि नमस्कार सबसे पहले मैं अपने मित्र राष्ट्रपति सोलह और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूँ पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है हमारी नजदीकियां बढ़ी है महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है फ्रेंड्स आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा हमने आज ग्रेटर माले में चार हजार सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त दो हजार सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे हमने सौ मिलियन डॉलर की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके फ्रेंड्स इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सहयोग भी शामिल है मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए चौबीस वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा हम मालदीव के 61 आइलैंड्स में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे फ्रेंड्स मालदीव सरकार ने 2030 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है मैं इस कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति सोहली को बधाई देता हूं और यह आश्वासन भी देता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत मालदीव को हर संभव सहयोग देगा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड इसकी पहल उठाई है और इसके तहत हम मालदीव के साथ प्रभावी कदम ले सकते हैं फ्रेंड्स आज भारत मालदीव पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है बल्कि क्षेत्र के लिए भी शांति स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बन रही है मालदीव की किसी भी जरूरत या संकट में भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और आगे भी रहेगा मैं राष्ट्रपति सोली और उनके डेलीगेशन की सुखद भारत यात्रा की कामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर मे आई नाउ रिक्वेस्ट हिज एक्सलेंसी